not you can play. कोर्ट के लिए दो परमिट इशू किए गए, ये बहुत ही अच्छा किया है आरटीओ साहब ने। हम आरटीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये इस गरीब आवाम के लिए दो परमिट का इशू किया है, ट्रांसपोर्ट बटल कोर्ट में लगाई है। हमको बहुत ही किराया ज़्यादा पड़ता था, तो अब हम यहाँ से हम 75 रुपये में मंडी जाते थे सोमों पर, अब यहाँ पर गरीब लोग जो मंडी आना जाना करते हैं वो 40 रुपये में एक साइड से करते हैं। हम आरटीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में इंतज़ामिया ज़्यादा किराया पड़ता था, तो जो यहाँ पे दो गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट का ये जो परमिट इशू किया गया है ये बहुत ही अच्छा। मैं सरपंच बटलकोट से हूँ, लिहाजा कि मेरी पंचायत जो यहाँ पर है बहुत गरीब पंचायत है। यहाँ पे मुलाज़मों का जो है कम से कम 1-2% मुलाज़म है, ज़्यादा मुलाज़म यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे ऐसा है कि हम ये गाड़ियाँ जो दो लगी यहाँ पे, इन लोगों का जो है आना जाना जो है कभी आधार कार्ड कभी राशन कार्ड, मोदी जी का तो आपको पता ही है मोदी जी कितने सख्तियाँ लोगों पर है, कभी पेंशन का मसला है। यहाँ पे जो कुछ इलाके मेरे हैं जैसे सुमन है, बेलाबाला है, खोड़ी वाला है, डूंगाबन है, त्रहंगड़ है, ये लोग जो है बहुत गरीब हैं। इन लोगों को जो है खाने के लिए रात को नमक नहीं और चाय नहीं होती है। इनका मैं इसमें जो है ये परमिट दो जो है यहाँ पे बहुत अच्छे आरटीओ साहब ने बनाए और अच्छे गाड़ियां भेजी यहाँ पे। इन लोगों का फायदा जो है इन गाड़ियों से है, जहाँ पे हमारा किराए की जो है बाकी गाड़ियां जो है वो कम से कम हाई अथॉरिटी पर किराया था, जबकि उनसे भी हमारी बात हुई, उससे भी हमने आरटीओ साहब से पहले कहा कि ये किराया जो है कम होना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं माना। आज जो है इन गाड़ियों पे मेरी पब्लिक जो है बहुत खुश है। अगर इन पे कोई भी धक्का जोर होगा हम जो है धरना देने के लिए लोरन भी तैयार है। ये नहीं है कि मुझे वो बेला बाला लोग जो है जितने ये गांव मैंने आपको दिखाए, ये लोगों से मेरी बात हुई, इन्हें बोला कि हम जो है दरीना बांग जो है हमारी है, ये गाड़ियां यहाँ पे रहनी चाहिए और इन गाड़ियों का जो है यहाँ पे कंटिन्यू। और उसके बाद जो कुछ सियासतें इसमें चल रही है कि गाड़ियों को व्यापार मंडल से किसी से लिखा कर इन गाड़ियों को जो है परमिट कहीं दिखाया जाएगा, कुछ वैसा नहीं होना चाहिए। हम जो यहाँ पे धरना देने के लिए था और साथ में मैं खुद उनके साथ बैठूंगा। जब दरअसल मसला ये था कि बड़ी दरीना मांग थी हमारी, कई सालों से हम ये हर डिपार्टमेंट में भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करते थे कि बटलकोट के लिए कम से कम दो गाड़ियां जो हैं परमिट इशू किया जाए। तो ये पता नहीं किस तरीके से ये गवर्नमेंट का ध्यान अब आकर इस गरीब आवाम की तरफ हुआ कि ये दो गाड़ियों का जो परमिट मिला है, और जो जायरीन यहाँ ज्यारत शरीफ पर आते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती थी रास्ते में, यहाँ सुमो में 8 की जगह 12-12 सवारियां भरकर जाते थे, बहुत सारे लोग रास्ते में खजल हो जाते थे। अब इन गाड़ियों की वजह से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर तकरीबन ही मैं कह रहा हूँ 95% गरीब आवाम रहती है जो अनएम्प्लॉय है, तो इन लोगों का बहुत बड़ा फायदा हुआ इसमें। और खास करके हम आरटीओ साहब का और एलजी साहब का तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इन गरीबों की ये फरियाद सुनी और दो गाड़ियों के परमिट इशू किए हैं।